नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लेके आए हैं ओप्पो A37 का मोबाइल, और ये देख सकते हैं ये डिवाइस पैटर्न लॉक है। तो दोस्तों इस डिवाइस को कैसे हम अनलॉक करेंगे, इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये जो डिवाइस है ओप्पो A37 और इसका मॉडल नंबर कन्फर्म करने के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा का आइकन है। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा का आइकन को यहाँ पर स्लाइड करिएगा और कोई सा भी एक यहाँ पे आपको इमेज क्लिक करना है और इस इमेज पे डबल क्लिक करिएगा। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आई बटन मिलता है। इस आई बटन पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका डिवाइस का मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है A37F। तो यहाँ पर दोस्तों आप जान चुके होंगे ये जो डिवाइस है A37F है, और इसी डिवाइस को हम अनलॉकिंग कैसे करेंगे इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानने के लिए देखते रहिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए। इस मोबाइल का पैटर्न लॉक तोड़ेंगे अनलॉक टूल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अनलॉक टूल लॉगिन कर लिया हुआ है, और ओप्पो का एक यहाँ पे टैब मिलता है, ओप्पो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर बहुत सारे ओप्पो रियलमी का मॉडल नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मैनुअली सर्च करना है, जो भी डिवाइस आप अनलॉक करने वाले हैं सिर्फ डिवाइस का मॉडल नंबर सर्च करना है। जैसा कि देख सकते हैं ओप्पो A37 हमने यहाँ पे टाइप किया, और सर्च करने के बाद से फर्स्ट में ही ओप्पो A37FW और EDL मेथड से यहाँ पे लॉकिंग करने का ऑप्शन आ रहा। तो यहाँ पे दोस्तों हम EDL फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन आता है, EDL इरेज FRP और EDL फैक्ट्री रीसेट। तो अभी हम EDL फैक्ट्री रीसेट पर ही क्लिक किए हुए हैं, और एक ही क्लिक से दोस्तों आपका मोबाइल का FRP और स्क्रीन लॉक दोनों अनलॉक हो जाता है। अब इस अनलॉक टूल में आपका सेटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि मोबाइल को PC से कनेक्ट करना है। तो मोबाइल को PC से कनेक्ट करना होगा दोस्तों EDL मेथड के जरिए। देख सकते हैं यहाँ पे हमने बैक पैनल रिमूव करके मदरबोर्ड यहाँ पर अलग किया हुआ है, और इसका CPU के जस्ट बगल में ही दोस्तों EDL टेस्ट पॉइंट है। देख सकते हैं क्वालकॉम का जो CPU है उसका जस्ट बगल में ही EDL टेस्ट पॉइंट है। यहाँ से एक हमने जंपर वायर निकाला हुआ है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने एक एरो के माध्यम से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, यही इसका EDL टेस्ट पॉइंट होता है। अब आपको मोबाइल को PC से कनेक्ट करना है। तो मोबाइल को PC से कनेक्ट करने के लिए बैटरी को डिसकनेक्ट कर देना है, और आपको EDL टेस्ट पॉइंट जो हमने बताया हुआ है EDL टेस्ट पॉइंट को ग्राउंड में कहीं भी शॉर्ट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ माइक्रो USB केबल के जरिए मोबाइल को PC से कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं कनेक्ट करते हैं अनलॉक टूल में। यहाँ पे HS USB क्यूडू लोडर 9008 COM10 का एक पोर्ट तैयार हो चुका है, और डिवाइस मैनेजर में भी यहाँ पे पोर्ट में यहाँ पे आपको क्वालकॉम HS USB क्यूडू लोडर 9008 COM10 यहाँ पे पोर्ट आपको शो हो जाता है। एक बात दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसा कि देख सकते हैं अनलॉक टूल में राइटिंग फ्लैश प्रोग्रामर ओके लिख के आ चुका है, और कनेक्टिंग टू फ्लैश प्रोग्रामर में यहाँ पे रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप मोबाइल को इसी से कनेक्ट करते हैं EDL टेस्ट पॉइंट से, तो जो टेस्ट पॉइंट पे हमने एक जंपर वायर निकाला हुआ है, तो जंपर वायर को आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ कनेक्ट करते समय ही ग्राउंड में टचिंग करना है, उसके बाद से फिर आपको ग्राउंड से मतलब जंपर वायर को अलग कर लेना है। यहाँ पर अभी हमने मोबाइल को फिर से डिसकनेक्ट करके फिर से EDL टेस्ट पॉइंट के जरिए कनेक्ट किया, और आप देख सकते हैं अनलॉक टूल में इरेजिंग FRP ओके लिख के आ जाता है, और इरेजिंग यूजर डेटा भी ओके लिख के आ जाता है, और रिबूटिंग ओके लिखता है। इसका मतलब है कि दोस्तों मोबाइल में FRP यानी कि गूगल अकाउंट भी अनलॉक हो जाता है, और जो मोबाइल में पैटर्न पिन पासवर्ड स्क्रीन लॉक जो भी था वो भी अनलॉक हो जाता है। जो हमने केबल लगाया हुआ है इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे, और देखिए इस मोबाइल को जब हम फ्लैशिंग कर रहे थे यानी कि अनलॉकिंग कर रहे थे, तो बैटरी कनेक्टर को भी हम कनेक्ट नहीं किए हुए थे। देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने जो इसका CPU है, CPU से एक जंपर निकाला हुआ था। तो चलिए दोस्तों इसको अभी हम इस जंपर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं।
चलिए इस जम्पर को अभी हम रिमूव करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने मोबाइल को पूरा फिटिंग कर लिया हुआ है, और अब हम मोबाइल को स्टार्ट कर लेते हैं पावर बटन प्रेस करके। और देखिए दोस्तों, मोबाइल जैसे ही स्टार्ट हुआ यहाँ पे स्क्रीन पर वाइप ओल्ड डेटा फिर से एक बार स्टार्ट हुआ और ऑटोमेटिक मोबाइल स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं मोबाइल हमारा स्टार्ट हो चुका है और स्क्रीन पर सिलेक्ट लैंग्वेज का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर लिए हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आ रहा है कनेक्ट टू वाईफाई, तो यहाँ स्किप का भी ऑप्शन मिला हो दोस्तों, तो अभी हम स्किप का ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। थोड़ा सा इस मोबाइल का ब्राइटनेस यहाँ पर थोड़ा कम है। लोकेशन सर्विसेज में नेक्स्ट कर देंगे, टर्म ऑफ यूज में नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन पर थैंक यू फॉर चूजिंग ओप्पो, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल स्टार्ट हो चुका है और फाइनली मोबाइल का स्क्रीन लॉक भी अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ पे देखा दोस्तों वन क्लिक में अनलॉक टूल के द्वारा मोबाइल का स्क्रीन लॉक और साथ साथ FRP लॉक दोनों अनलॉक हो जाता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट करे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।